जो महिला पहले मजदूरी करती थी और मजदूर थी, तगारी उठाती थी, वो इन दिनों कमलनाथ सरकार में मंत्री है और अपने मंत्री बनने का श्रेय देती है कांग्रेस के महासचिव और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कमलनाथ सरकार की मंत्री इमरती देवी के बारे में, जिन्होंने खुद ये बात कही है। वे पहले मजदूर थी, मजदूरी करती थी, तगारी तबेले उठाती थी, लेकिन महाराज की मेहरबानी से अब वो मध्य प्रदेश की महिला तथा बाल विकास मंत्री बन गई हैं। कुल मिलाकर इमरती देवी की कहानी बहुत प्रेरणादायी है। उनका ये भी कहना था कि एक सामान्य परिवार की लड़की आज मंत्री की कुर्सी पर बैठी है, ये महाराज की वजह से ही हुआ है। उन्होंने इशारों में कहा कि अगर सांसद सिंधिया ग्वालियर और प्रियदर्शनी राजे गुना से चुनाव लड़े तो कांग्रेस दोनों सीटों पर जीत जाएगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इमरती देवी ने ये बात महाराज की पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया के सामने बोली। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।